हाँ फिर रेड वाले भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी। पहले तो इस मक्खी ने तंग कर रखा है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 4 से 5 फरवरी को आपका रीट का मेन एग्जाम होने वाला है, यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती का। ठीक है, तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर 2.5 महीने का समय बचा है, दिसंबर और जनवरी, और ये महीना 11 दिन बीत चुके हैं। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को कल डालूं तो कल 12 तारीख हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास 2.5 महीने हैं। ठीक है, जिंदगी के 2.5 महीने ओखे सोखे होकर, ठीक है, अपनी मेहनत अपने सपनों के पीछे, अपने माँ बाप के सपनों के पीछे लगा दो। ठीक है, ये आपके पास सुनहरा अवसर है, सुनहरा। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको इस परीक्षा में बैठने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि ये मेरे जीवन की आखिरी परीक्षा है, इसके बाद मैं किसी और परीक्षा में नहीं बैठूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस परीक्षा में आपको ना अपनी मंजिल पा लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें लग जाओगे, उसके बाद बहुत सी भर्तियां हैं, RS है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो मर्जी है उसमें तैयारी करो। क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी एक जगह पक्की कर ली ना, तो उसके बाद आपके ऊपर से ना बहुत सारा प्रेशर है ना हट जाएगा, किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा मैं पास हूं ना हूं। क्योंकि आपके पास ना पहले से एक सेफ जगह है, यानी कि आप सेफ जोन में हो। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये भर्ती बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं अभी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, वो सोच रहे हैं आगे भी और भर्तियां आएंगी, तो देखो आगे कुछ आने वाला नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ ठेंगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो मौका है वो यही है, इसी में बटोर लो जितना बटोर सकते हो, क्योंकि बाद में किसी ने नहीं देखा क्या होगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। डेली पढ़िए, रोजाना पढ़िए, 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसको 12 घंटे कर दीजिए, आग लगा दीजिए, कुछ भी करो। ठीक है, एक सीट अपनी लेकर जानी है आपको इस भर्ती में, ये वादा है आपका अपने से, मेरे से नहीं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।